अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आपने औरतों के एतिकाफ़ का तरीका क्या है वो पूछा है, और आपने पूछा कि भाई फ़ोन पे क्या वो बात कर सकती है अपने शोहर वग़ैरह से। तो एतिकाफ़ का तरीका औरतों का भी वही है जो मर्दों का है। मस्जिद में अमूमन जो एतिकाफ़ अज़वाज मुतहरात किया करती थी उसी तरीके से एतिकाफ़ करती थी जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया। जो हाजत ज़रूरियाँ हैं उनके लिए एतिकाफ़ से निकल सकते हैं, पेशाब पखाने के लिए, वज़ू के लिए, गुसल के लिए, खाने पीने के लिए घर में दाखिल हो सकते हैं और फिर आकर के एतिकाफ़ में अपने दाखिल हो करके अपनी इबादत में मसरूफ़ रहें। फ़ोन का मसला ये है कि हमें जो ज़रूरी बात है, जिस तरह से हाजत ज़रूरियाँ जो है उसके लिए निकला जा सकता है, घर में दाखिल हुआ जा सकता है, इसी तरह से फ़ोन पर अगर कोई ज़रूरी बात हो तो की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फजूल बातें करना बैठ करके और देर तक जो है इधर उधर की खैर खैरियतें पूछते रहना वो मुनासिब नहीं है एतिकाफ़ की हालत में। फ़ोन इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक, वो भी सख्त ज़रूरत के मुताबिक। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।